क्या पति की बात मान गई है अपर्णा यादव? भाभी डिंपल यादव के लिए भेजा खुला संदेश। क्या बीजेपी में नहीं मिला अपर्णा यादव को सम्मान, इसलिए सपा की तरफ कर रही है रुझान? अपर्णा यादव के संदेश ने बीजेपी की बढ़ाई टेंशन, अटकलों का बाजार हुआ गर्म। अब पूरी तरह एक हो जाएगा मुलायम सिंह का कुनबा, भाभी संग नजर आएंगी अपर्णा यादव। समाजवादी पार्टी और अपने परिवार से अपर्णा यादव की दूरी इस बात को लेकर थी कि उनको अपने परिवार में सम्मान नहीं मिल रहा, जिसका कारण था कि उन्होंने सम्मान पाने के लिए बीजेपी का रास्ता चुना। लेकिन क्या अभी बीजेपी में अपर्णा यादव को वो सम्मान नहीं मिल पाया जो उनको चाहिए था? और इसी वजह से अपर्णा ने एक बार फिर अपने परिवार की तरफ रुझान किया है। बता दें कि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद शिवपाल सिंह यादव ने चाचा का फर्ज निभाते हुए अखिलेश यादव का हर मंच पर खड़े होकर साथ दिया। तो ही प्रतीक यादव ने पिता की विरासत को भाई अखिलेश यादव संभालेंगे, ऐसा बयान देकर सबको चौंका दिया था, जिसके बाद अटकलों का बाजार गर्म हो गया कि जब प्रतीक यादव ने खुले मंच से ये बात कह दी तो एक न एक दिन अपर्णा यादव भी बीजेपी को छोड़कर अपने परिवार और समाजवादी पार्टी के लिए खड़ी नजर आएंगी। उसका एक संकेत और भी नजर आ गया है। तो चलिए बताते हैं कि क्यों बीजेपी से अपर्णा यादव दूर हो रही हैं और सपा से क्यों उनकी नजदीकियां बढ़ रही हैं। फिर आपको बताते हैं कि अपर्णा यादव ने वो कौन सा ऐलान कर दिया है जिसके बाद अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। बताते चले कि सपा संरक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के निधन से खाली हुई मैनपुरी लोकसभा सीट पर सपा ने जीत दर्ज की है। इस सीट पर नेताजी की बड़ी बहू और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने रिकॉर्ड मतों से बीजेपी उम्मीदवार रघुराज सिंह शाके को हराया है। मैनपुरी सीट से चुनाव जीतने के बाद डिंपल यादव एक बार फिर लोकसभा पहुंच गई हैं। डिंपल यादव की जीत से पार्टी में उनका कद और जलवा एक बार फिर बढ़ गया है। दूसरी तरफ सपा को छोड़कर यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में गई नेताजी की छोटी बहू अपर्णा यादव को अब तक कोई बड़ा फायदा नहीं मिला है। यूपी उपचुनाव और डिंपल यादव की जीत के बाद अपर्णा यादव के भविष्य को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। अपर्णा यादव को लेकर बीजेपी क्या सोच रही है, इस पर तो स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही। अपर्णा यादव को क्या बीजेपी में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, इस सवाल का भी जवाब किसी के पास नहीं है। एक रिपोर्ट के अनुसार अपर्णा यादव के भविष्य पर चर्चा करते हुए कुछ वरिष्ठ पत्रकारों ने बताया कि उनका ना तो जनाधार है, ना ही कोई संगठनात्मक क्षमता है, ना ही ऐसा कोई प्लस पॉइंट है जिसके आधार पर उनकी कोई निजी पूंजी हो। ऐसे में फिलहाल कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने की उम्मीद नहीं दिख रही। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि बीजेपी उन्हें महिला संगठन में जिम्मेदारी देकर उनका उपयोग कर सकती है। अपर्णा यादव को फिलहाल कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी ऐसा मुश्किल ही लग रहा है। बाकी आगे चलकर राजनीति में कुछ भी हो सकता है, तो वहीं अपर्णा यादव के भविष्य को लेकर बीजेपी नेताओं का मानना है कि अपर्णा एक बीजेपी कार्यकर्ता है, समय आने पर पार्टी उनको सम्मानजनक पद भी दे सकती है। तो सपा के कार्यकर्ताओं का मानना है कि अपर्णा यादव जिस उम्मीद से बीजेपी में शामिल हुई थी वो अभी तक उनको नहीं मिल पाया है, ना ही मिलेगा। अगर इनको कोई सम्मान दे पाएगा तो उनका कुनबा और समाजवादी पार्टी ही दे पाएगी। इस बीच अपर्णा यादव ने डिंपल यादव की जीत पर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि भाभी डिंपल यादव को जीत की बहुत बधाई। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी, रामपुर और खतौली उपचुनाव में विजयी सभी प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई। भारतीय जनता पार्टी ने रामपुर की सीट पर पहली बार विजय प्राप्त की है, इसके लिए श्री आकाश सक्सेना समेत रामपुर के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई। जैसे ही अपर्णा यादव का यह ट्वीट आया, वहीं सोशल मीडिया पर इसको लेकर हंगामा शुरू हो गया। कुछ लोगों ने कहा कि अब सपा और मुलायम सिंह का कुनबा पूरी तरह एक हो जाएगा, क्योंकि अपर्णा यादव ने भी खुले मंच से भाभी का समर्थन कर दिया है और उनकी खुशी में खुशी जाहिर की है। तो कुछ लोगों का मानना है कि पति प्रतीक यादव के मनाने पर अपर्णा अपने परिवार की तरफ रुख कर रही हैं। बता दें कि अपर्णा यादव सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे प्रतीक यादव की पत्नी है। अपर्णा ने बीते यूपी विधानसभा चुनाव 2022 से पहले बीजेपी का दामन थाम लिया था। बीजेपी में अपर्णा यादव के शामिल होने के बाद यह चर्चा होने लगी थी कि बीजेपी अपर्णा यादव को कैंट विधानसभा सीट से उम्मीदवार बना सकती, लेकिन वहां से वर्तमान उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को टिकट थमाकर अपर्णा के अरमानों पर पानी फेर दिया गया था। इसी तरह विधानसभा चुनाव के बाद हुए राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव में भी अपर्णा को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं चली, लेकिन वो सिर्फ चर्चा ही रह गई। वहीं हाल ही में संपन्न हुए मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में भी अपर्णा यादव को लेकर चर्चा सामने आई थी, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा।